दोस्तों इंडिया का सबसे सस्ता भाई लो, इंडिया का सबसे सस्ता डाइट भाई लो, आपको एक रुपया भी खर्च करने का बिल्कुल जरूरत भाई लो। आप ये डाइट को फॉलो कर भाई लो, बोरी है ना, बहुत से बहुत जल्दी बनेगा। बहुत दोस्तों आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते भाई लो, सबसे पहले ना आदमी एक चीज सोच रहे हो क्या, अरे भैया पैसा नहीं है बॉडी कैसे बना दे। सबसे पहले ना ये चीज को दिमाग से निकाल के फेंक दो, सबसे पहले ये चीज को दिमाग से निकाल के फेंक देना है, ठीक है। देखो बिना प्रोटीन का, ठीक है, बॉडी बनेगा, बॉडी बहुत धासु बनेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ना आपको खुद पे आना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब तक आप खुद पे नहीं आओगे ना, आप अगर सोच रहे हो कि प्रोटीन पाउडर, ये देखो ये सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आप ये सब चीज़ को भूल जाओ, ये सब में कुछ नहीं रखा है। देखो सबसे पहले पहले है ना, सबसे पहले आपको खुद पे आना होगा, ठीक है। देखो आज से दोस्तों अगर आप चाहते हो ना तो बिना एक रुपया खर्च किए, ठीक है, आपका बॉडी देखना बहुत से बहुत तगड़ा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। देखो सबसे पहले भाई लोग, देखो सबसे पहले आपको पूरा दिन में, देखो आप जो घर में खाना खाते हो, ठीक है, सो अगर आप जान जाओगे ना कि कौन सा खाना में कितना प्रोटीन है, कितना कैलोरी है और कितना फैट है, दोस्तों देखो अगर आप ये चीज़ को जान जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए प्रोटीन की पूर्ति होना ये आम बात हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रोटीन की पूर्ति आप खुद पर खुद कर लोगे। देखो सबसे पहले ना, देखो आप सुबह उठते हो, ठीक है, आपको एक गिलास पानी पीना, देखो इससे होगा क्या, ठीक है। अगर आप एक गिलास सुबह पानी पीते हो तो इससे आपका शरीर पूरा एनर्जेटिक में नहीं होता, पूरा दिन एनर्जेटिक मतलब भरा पड़ा रहेगा, ठीक है, अगर आप सुबह एक गिलास पानी पीते हो, ठीक है। तो भाई लोग अगर आप सुबह जिम करते हो, अगर आप सुबह जिम नहीं भी करते हो, ठीक है, तो उसके बाद देखो आपको, देखो आपको चना खाना है भाई लोग, अगर आप बहुत पतले हो, अगर दोस्तों आप बहुत पतले हो तो आपको कच्चा चना बिल्कुल नहीं खाना है। देखो इससे क्या होगा, अगर आप कच्चा चना खाते हो और बहुत पतले हो तो दोस्तों अगर आप कच्चा चना खाते हो तो वो आप शरीर में पचता नहीं, ठीक है, उसको पचाने के लिए आपका पाचन शक्ति उतना तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो भाई लोग देखो आप बहुत पतले हो तो आपको चना को बॉयल करके खाना, ठीक है, आपको सुबह सुबह चना को 100 ग्राम चना आपको बॉयल करके खाना, ठीक है। भाई लोग उसके बाद देखो आपको एक घंटा बाद है ना, ठीक है, आपको एक घंटा बाद आप जो रोटी खाते हो घर में, आपको चार रोटी सब्जी जो भी खाते हो, ठीक है दोस्तों, आपको चना आपको पर डे खाना, ठीक है, आपको चना 100 ग्राम, अगर आप बहुत बिगिनर हो, बहुत पतले हो तो आपको बॉयल करके खाना है, अगर आप बहुत पतले नहीं हो, आप मीडियम हो तो आपको कच्चा चना खाना, ठीक है, आपको 100 ग्राम चना आपको डेली खाना, ठीक है। उसके बाद देखो आपको चार रोटी और सब्जी जो भी खाते हो आपको वो खाना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो आपको लंच में क्या खाना, ठीक है भाई, देखो लंच बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों, लंच में आपको क्या खाना है, देखो लंच में आप जो भी घर में खाते हो, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी, ठीक है दोस्तों, जो भी खाते हो, अगर दूध दही है तो और अच्छा बात है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों डेली आपको दूध दही अगर अगर मिल जाए घर में तो दोस्तों बहुत अच्छा वाली बात है, ठीक है दोस्तों। आज लंच में आप जो खाते हो, ठीक है, आपको दाल जो होता है ना, दाल आप जो भी कोई भी चीज़ का दाल होता है ना दोस्तों, आपको दाल बहुत दबा के पीना है, ठीक है। देखो दाल प्रोटीन का सबसे धाकर स्रोत है, सबसे धाकर स्रोत, ठीक है दोस्तों, आपको दाल दबा के पीना है। आपको देखो अगर आप डेली दाल पीते हो तो अगर आप 100 ग्राम दाल पीते हो, ठीक है, तो 100 ग्राम दाल में आपको 23 मतलब 23 ग्राम मिलता है ओनली प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। आपको दाल दबा के पीना, ठीक है दोस्तों। अगर आप लंच करते हो तो आपको दाल ज़्यादा खाना है और चावल थोड़ा सा कम रखना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो दोस्तों मूंग तो सबके घर में मिलता है, ठीक है, मूंग तो हर एक के घर में मिल जाए, ठीक है। आपको 100 ग्राम मूंग करके उसको उस स्पॉट जो होता है ना गाँच वाला, दोस्तों उसको गाँच वाला करके दोस्तों आपको 100 ग्राम वो डेली खाना, ठीक है। उससे होता क्या है, वो प्रोटीन का सबसे धाकड़ स्रोत है मूंग का, वो होता है ना स्पॉट वाला, दोस्तों अगर आप 100 ग्राम वो डेली खाते हो तो उसमें 100 ग्राम में आपको 25 ग्राम मिलता है ओनली प्रोटीन, ठीक है, उसमें आपको 1 ग्राम भी नहीं मिलेगा फिर दोस्तों। आपको 100 ग्राम है ना, आपको 100 ग्राम स्पॉट वाला आपको मूंग डेली से डेली खाना, ठीक है, ये आपको प्रोटीन का सबसे धाकड़ स्रोत है मूंग। उसके बाद देखो भाई लोग आपको रात में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हो क्या भाई, आप जब रात में खाना खाते हो, ठीक है, तो आपको रोटी के साथ आपको घी पर डे खाना है। अगर आपको शुद्ध देसी घी मिलता है घर का तो और फायदा करेगा। आपको 100 ग्राम दोस्तों रोटी के साथ है ना, आपको डेली रोटी के साथ घी खाना ही खाना, ठीक है। इससे देखो होगा क्या दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप घर पे जिम करते हो तो इससे ना आपका ताकत और स्टेमिना बहुत से बहुत जल्दी बनता है, ठीक है दोस्तों। आपको रोटी के साथ है ना आपको घी पर डे खाना, रोटी सब्जी और घी भाई लोग, ये दोस्तों आपको पर डे आपको घी के साथ रोटी खाना ही खाना, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये डाइट को फॉलो करते हो, ठीक है दोस्तों, आपका बॉडी बहुत से बहुत जल्दी बनेगा और बहुत तगड़ा बनेगा भाई लोग। ये तो भाई लोग ये इंडिया का सबसे सस्ता डाइट है भाई लोग, आप इसको फॉलो करो भाई लोग, आपका बॉडी है ना बहुत से बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। तो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें।